हिंदी साहित्य में छायावाद के अंतर्गत चार प्रमुख कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो आज हम महादेवी वर्मा जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता यह मंदिर का दीप, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो इस कविता को पढ़ने के बाद मैं आपको इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताऊंगा और उसके बाद हम प्रत्येक स्टेंजा की व्याख्या करेंगे, अलग अलग भावार्थ देखेंगे। तो यह मंदिर का दीप कविता, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। महादेवी वर्मा जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है यह। इसमें जो दीपक है उसको एक साधक का प्रतीक बनाया गया है। जैसे जो साधक होता है वह अकेले में साधना करता है, उसी तरह यह दीपक भी रात के समय में मंदिर में अकेले जलता रहता है। चलिए देखते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणास्वर गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला विहसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित धूप अर्घ नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतरहित सब की अर्चित कथा इसी लव में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ गया बन। रुका मुखर कण कण का स्पंदन इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल रेखाओं में भर आभा जल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। तो यह कविता है, यह कविता उनकी जो दीप शिखा नाम की जो उनकी है, उनका जो काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था 1942 में, उसमें से यह लिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ, जिसमें प्राय आपको कठिनाई होती है। नीरव जलने दो का अर्थ है खामोशी से अपना काम करने दो। रजत शंख घड़ियाल, शंख मतलब जो शंख होता है वह, घड़ियाल मतलब जो घंटा बजाते हैं। तो चांदी के रंग के शंख और घड़ियाल पूजा में प्रयुक्त एक वाद्य यंत्र जिसे घंटा भी कहते हैं। स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, सोने की तरह मोहक बांसुरी और वीणा के स्वर, अथवा सोने के बने हुए या सोने के रंग के वंशी और वीणा, ये अथवा इनका मोहक स्वर। आरती वेला मतलब देवता की आरती करने का समय। कल कंठों का मेला का अर्थ है सुंदर कंठ स्वरों से गाई गई आरती का सामूहिक स्वर। विहसे उपल मतलब मानव मंदिर निर्माण में प्रयुक्त पत्थर भी हंस रहे हो। उपल मतलब पत्थर, विहसे मतलब हंसना। इष्ट अकेला मतलब मंदिर में भगवान अकेले। रात के समय में जब सभी जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं तो मंदिर में भगवान अकेले रह जाते हैं। अजीर का शून्य मतलब आंगन का सुनापन। गलाने को गले दो मतलब सुनेपन को समाप्त करने के लिए इस दीप को जल जल कर गले दो। चरणों में चिन्हित मतलब भक्तों के चरणों के निशान। दिन भर जो भक्त आते हैं मंदिर में तो उनके चरणों के जो निशान बन जाते हैं धूल से, या फिर उनके पैरों के जो निशान बन जाते हैं, तो उन्हें कहा गया चरणों से चिन्हित। अलिंद की भूमि मतलब बाहरी दरवाजे के सामने की जगह, मतलब मंदिर के बाहरी दरवाजे के पास की जगह जहां पर सभी श्रद्धालु क्या करते हैं अपने जूता चप्पल निकाल देते हैं, उसे कहा जाता है अलिंद की भूमि। प्रणत शिरों के अंक मतलब झुककर मस्तक सटाने से पड़े हुए निशान, मतलब जो चौखट होता है मंदिर का उसमें सभी जो श्रद्धालु आते हैं अपने सिर को चौखट पे लगाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, तो उनका निशान बन जाता है लंबे समय के बाद, क्या है उसमें निशान पड़ जाता है। दहली देहरी मतलब चौखट, दहलीज। अजीर मतलब आंगन, अर्चित मतलब पूजित सम्मानित या भगवान विष्णु को भी कहा जाता है अर्चित। अब हम देखते हैं व्याख्या, कुछ और यहाँ पर शब्द कठिन है जो। अक्षत सित मतलब चावल के सफेद दाने जिनका उपयोग पूजा में किया जाता है। धूप अर्घ मतलब धूप और बत्ती और देवताओं को समर्पित की जाने वाली पूजन सामग्री। नैवेद्य मतलब देवता को समर्पित की जाने वाली भोज्य वस्तु अथवा भोग। अर्चित कथा मतलब पूजा अर्चना की बातें। पल के मन के मतलब क्षण रूपी मन का माला के दाने, मतलब जो समय है जो पल है क्षण क्षण जो पल हमें बीत रहा है समय, उसे यहाँ माला के दाना से माले की जो मनका होती है
जो बीट्स होते हैं उससे उसकी तुलना की गई है। प्रतिध्वनि का इतिहास मतलब दिन भर मंदिर में होने वाली ध्वनियां अब रात में अनुगूंज बनकर इतिहास हो गई है। दिन भर जो ध्वनि लोग आ रहे थे, गा रहे थे, आरती गा रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उसकी जो प्रतिध्वनि है शाम को क्या है, वह इतिहास बन गई है। प्रस्तरों मतलब पत्थरों, मसी सागर मतलब स्याही रूपी अंधकार का समुद्र, झंझा मतलब शोर करती हुई बहने वाली वायु, मतलब जैसे तूफान कह सकते हैं। दिग्भ्रांत मतलब जिसे दिशाओं का बोध न रह गया हो या भटका हुआ। आभा जल मतलब प्रकाश रूपी नमी को संध्या में भरते हुए दीपक, मतलब जो दीपक जल का जो रोशनी फैला रहा है। दूत सांझ का मतलब यह दीपक संध्या के संदेश वाहक की तरह है। जब दीपक जब शाम हो जाती है तब हम क्या है, दीपक जला देते हैं, मतलब दीपक यह संदेश लेकर आता है कि अब शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। प्रभाती मतलब सुबह में गाया जाने वाला गीत, इसे प्रभाती कहा जाता है। अब हम अलग अलग स्टेंजा देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग तो यही रहेगा, संदर्भ प्रसंग आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। यह मंदिर का दीप, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला, वी से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गले दो। यह दीप शिखा कविता संग्रह से लिया गया है। संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। यह मंदिर का दीप कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो। साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है, वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है, वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है। मतलब जो भी कोई साधक होता है वह जब साधना करता है तो किसी दिखाने के लिए प्रशंसा के भाव से नहीं करता, बल्कि वह संकल्पित होकर यह साधना करता है। जैसे जो मंदिर का दीपक है वह क्या है, भगवान को अंधेरे में छोड़ना नहीं चाहता। मंदिर का दीपक क्या है किस संकल्प के साथ जलता है कि सुबह होते तक वह जलता रहेगा, ताकि जो भगवान है, जो इष्ट देव है मंदिर के, उन्हें अंधेरे में न रहना पड़े। ठीक वही इसी प्रकार एक साधक जब साधना करता है तो वह एकांत में साधना करता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि वह साधना कर रहा है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि यह मंदिर का दीपक है, इसे चुपचाप जलने दिया जाए। यह दीपक एक संकल्प के साथ जल रहा है। इसका संकल्प यह है कि मंदिर का इष्ट देव अंधेरे में न रहे, वह पूरी रात जलकर अपने देवता के घर में प्रकाश बनाए रखना चाहता है। तो उसका संकल्प क्या है दीपक का, कि वह रात भर जलकर जो देवता हैं, जो इष्ट देव हैं, उनके मंदिर में प्रकाश बनाए रखना चाहता है, ताकि ईश्वर को अंधेरे में न रहना पड़े। इसी प्रकार महादेवी वर्मा अपने प्रीतम का जीवन भर प्रतीक्षा करती रहती हैं अपने, और उनकी आराधना करती रहती हैं वहां अकेले में। तो महादेवी मंदिर की दिनचर्या की चर्चा करती हुई कहती हैं कि दिन में क्या होता है, चांदी के रंग के शंख और घड़ियाल, चांदी के रंग के जो शंख होते हैं, सफेद कलर रंग के, और जो घड़ियाल होते हैं, जो घंटे होते हैं, दिन भर उस उन्हें बजाया जाता है, और सोने के रंग की वंशी वीणा की मधुर ध्वनियों ने आरती के समय को सैकड़ों रंग लयों से भर दिया था। तो दिन में जो शंख बजते हैं, जो घंटे बजते हैं, जो वंशी बजते हैं, वीणा बजते हैं आरती के समय में, तो उसकी जो मनोहर ध्वनि है, उसके जो लय है, उसका जो संगीत है, वह पूरे मंदिर को भर देता है, गुंजायमान कर देता है। उस समय सुंदर कंठ ध्वनियों का मानो मेला लगा हुआ था। मतलब दिन भर जो विभिन्न प्रकार के लोग वहां पर आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, वे मधुर कंठ से आरती गाते थे और भजन गाते थे। इन सब के प्रभाव से मानो मंदिर की दीवारों में लगे पत्थर भी विहंस पड़े थे। मंदिर के अंधेरे कोने भी मानो खेलने लगे थे। मतलब दिन के समय में जब श्रद्धालु अपने मधुर कंठों से आरती और भजन गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो मंदिर में लगे हुए पत्थर भी हंस रहे हैं और उसका कोना कोना आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। मगर रात होते ही सब लोग चले गए, मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मंदिर के इष्ट देवता नितांत अकेले रह गए हैं। मंदिर का आंगन सुना सुना लग रहा है, क्योंकि सब लोग चले गए हैं, मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। महादेवी कहती हैं कि इस मंदिर के सूनेपन को दूर करने के लिए इस दीपक को जल जल कर गलने दो, यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो यह सूनापन दूर नहीं हो सकेगा। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि यह जो दीपक है यह साधक का प्रतीक है, इसे रात भर जल जल कर गलने दो, जल जल कर समाप्त होने दो, ताकि यदि यह दीपक नहीं जलता है तो इस मंदिर का सूनापन भी दूर नहीं होगा और इष्ट देव को अकेले ही रहना पड़ेगा और मंदिर अंधकार रूपी निराशा में डूब जाएगा।
चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झरे सुमन बिखरे अक्षत चित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, सब में सब होंगे अंतरहित, सबकी अर्चित कथा इसी लव में पल्ले दो। कवित्री पुनः मंदिर की दिनचर्या का जिक्र करते हुए कहती है, वो दिन का वातावरण कैसा था वो बता रही है कि दिन भर में न जाने कितने श्रद्धालु मंदिर में आए। बहुत सारे लोग दिन में भगवान के दर्शन करने के लिए दिन में आए। उनके कदमों के निशान से अलिंद की भूमि भर गई और सुनहली लगने लगी। अलिंद की भूमि मतलब जो चौखट होता है भगवान का, जो बाहरी दरवाजा होता है मंदिर में प्रवेश करने में, उसके बाद जो आंगन होता है वह अलिंद की भूमि होती है, जहां पर सभी श्रद्धालु अपना जूता चप्पल उतार कर आते हैं। तो जो आंगन है मंदिर का वह उनके पैरों के निशानों से भर जाता है और सुनहली लगने लगती है पैरों के धूल से। श्रद्धालुओं के मस्तक झुकाकर स्पर्श करने से चंदन का चौखट निशानों से भर गया है। लंबे समय से श्रद्धालु उस मंदिर में आते रहे हैं और जो चौखट है, जो चंदन का चौखट है भगवान का मंदिर का, उसमें अपना सिर टिकाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो उसमें निशान बन गए। दिन भर मंदिर में फूल झड़ते रहे और अक्षत बिखरते रहे। मतलब जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हैं भगवान में सफेद चावल चढ़ाते हैं और उसमें फूल भी चढ़ाते हैं, तो वे चारों तरफ बिखरते रहे। पूजा पाठ और भोग चढ़ाई जाने वाली असंख्य वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा था। मतलब दिन में पूजा पाठ के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जो भोग हैं, उनसे पूरा मंदिर भर गया था। मगर रात होते ही ये सारी चीजें अंधेरे में डूब जाएंगी। रात होते ही ये सब दिखाई देना बंद हो जाएगा। दिन भर में जितने लोगों ने पूजा अर्चना की है उन सब की पूजा की कथा इस दीपक की लौ में पल्ले दो। यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो सबकी अर्चित कथा मानो अंधेरे में डूब जाएगी। मतलब ईश्वर के सम्मान में वो जो भजन गाए थे, जो पूजा अर्चना किए थे, जो विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक ग्रंथों का जो उन्होंने पाठ किया था, यदि रात में दिया नहीं जलेगा तो इनकी जो कथा है, इनकी जो प्रतिध्वनि है, वह क्या होगी, अंधेरे में डूब जाएगी। क्योंकि कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि दिन में इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए थे और भगवान की पूजा अर्चना कर गए थे। आगे देखते हैं। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कड़कड़ का स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। एक एक क्षण मानो माला के दाने की तरह बढ़ता गया और रात आ गई। जैसे जब कोई साधक ईश्वर के नाम का जाप करता है तो मनके फेरता है, माला के जो मनके होते हैं, जो बीट्स होते हैं, तो वैसे ही महादेवी वर्मा ने जो जीवन का जो प्रत्येक क्षण है, जो प्रत्येक पल है, उसको उसके दाना से तुलना किया है, बीट्स से तुलना किया है, माला का जो बीट्स होता है, मन का होता है। तो जो विश्व का जो पुजारी है, विश्व पुजारी इन दानों को जाप करते हुए बढ़ाता गया और अंत में थककर सो गया। मतलब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, है ना, जैसे माला के मनके आगे बढ़ते हैं जब कोई साधक पाठ करता है, वैसे ही जो पल आगे बढ़ता गया और रात हो गई और विश्व रूपी जो पुजारी है वह पल पल का जो मनका है उसको आगे बढ़ाता हुआ अंत में थककर सो गया। वह माला फेर रहा था, पल का माला फेर रहा था, क्षणों का माला फेर रहा था मनका, और अंत में थककर सो गया। मतलब रात हो गई। मंदिर में ध्वनियों की गूंज अनुगूंज मौजूद रहती है, भले ही लोग चले गए, रात हो गए, लेकिन उसकी अनुगूंज वहां पर अभी भी मौजूद है। रात होने पर इन सब का ब्यौरा माने पत्थर की दीवारों में खो गया। तो दिन भर मंदिर के जो पत्थर थे, जो गुंजायमान थे, उनमें यह प्रतिध्वनि उसमें समा गई और उसमें अदृश्य हो गई। रात होने पर इन सब का ब्यौरा पत्थर की दीवारों में खो गया, अदृश्य हो गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सोए हुए लोगों की सांसों का आना जाना पर सुनाई पड़ रहा था। जब रात गहरी हो गई तब चारों तरफ सन्नाटा छा गया और केवल लोगों की सांसों के स्वर सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानव जीवन सांसों की समाधि बन गया हो। मतलब सिर्फ सांसों की आवाजें आ रही थी लोगों की। चारों तरफ अंधेरा ऐसा फैला मानो स्याही का समुद्र फैला हो और उस तक जाने के रास्ते बिखरे हो। चारों तरफ घन अंधकार था। कुछ जगह कुछ दिया की लौ टिमटिमा रही थी। इसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे समुद्र के जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, वैसे अंधेरे में जो लपलपाती हुई जो बिजलियां हैं, जो दिए की लौ है, वो लगता था कि उस अंधेरे के सागर में जाने के लिए रास्ता बता रही है। रात में सब कुछ इतना खामोश हो गया था मानो कण कण की गतिशीलता और मुखरता स्थगित हो गई थी। मतलब एकदम सन्नाटा छा गया था। कहीं कोई मूवमेंट नहीं था, कोई गतिशीलता नहीं थी, कहीं पर कोई गति नहीं थी। दीपक की ज्वाला में इन सब खोई हुई चीजों को अपना रूप प्राप्त कर लेने दो
और उन सब में प्राण तत्व का संचार हो जाने दो। अगर दीपक नहीं होगा तो ये सारी चीजें अंधेरे में डूब जाएंगी। तो दिन भर जितने श्रद्धालु आए थे उन्होंने जो जो चीजें भगवान को अर्पित की थी तो वे सारी चीजें रात में अदृश्य हो जाएंगी यदि दीपक नहीं जलेगा तो। लेकिन यदि दीपक जलता है तो वह उन सभी वस्तुओं में, उन अर्घ्य में, उन भोग प्रसाद में वह पुनः जीवन का संचार कर देता है। तो दीपक क्या है, एक साधक की तरह है जो इनके इन सभी वस्तुओं में जीवन का संचार कर देता है, अन्यथा यह सारी चीजें अंधेरे में डूब जाएंगी। अब रात में तेज हवाएं भी चलती हैं, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। अब रात बहुत गहरी हो गई है, शोर करती हुई वायु प्रवाहित हो रही है, मतलब बहुत तेज तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, वह ऐसे बह रही है मानो दिशा भूल गई हो, कभी इधर से कभी उधर से, मतलब जो रात होने पर तेज हवा चल रही है ऐसा लग रहा है जैसे हवा अपनी दिशा भूल गई, और ऐसे बह रही है वायु प्रवाहित हो रही है मानो वह दिशा भूल गई हो। रात ऐसे सो गई है मानो गहरी बेहोशी में हो, मतलब गहरी रात हो गई है, ऐसे लग रहा है कि रात स्वयं बेहोशी में है। मेरी इच्छा है कि आज यह दीपक पुजारी बन जाए, वह प्रकाश का एक छोटा सा प्रहरी है। महादेव वर्मा कहती हैं कि यह दीपक रात में दीपक ही पुजारी है, और यह क्या है, वह प्रकाश का एक छोटा सा प्रहरी है। प्रहरी है मतलब रक्षक है। जब तक दिन की हलचल लौट आए तब तक के लिए यह साधक दीपक जागता रहेगा, मतलब यह जो दीपक है वह ईश्वर को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, तो वह सुबह होते तक ऐसे ही जलता रहेगा, जागता रहेगा। यह रात की प्रत्येक अंधेरी रेखा में रोशनी की सजलता को भर देगा, मतलब रात में जितनी भी उसकी अंधेरी रेखा है, रात जितनी गहन अंधकार को भी वह अपने आलोक से, अपने प्रकाश से भर देगा। रात की गहनता को, रात की तीव्रता को वह दूर कर देगा और उसको अपने प्रकाश से, अपने आलोक से भर देगा। यह दीपक शाम के दूत की तरह है, इसे प्रभाती गाए जाने तक जलने दो। प्रभाती मतलब होता है प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। तो यह दीपक क्या है, यह शाम के दूत की तरह है। शाम का दूत मतलब जब हम दिया जलाते हैं शाम को तो हमको पता चला था कि हाँ शाम हो गई और थोड़ी देर बाद रात भी हो जाएगी। तो जो दीपक है ना, जब हम संध्या वंदन करते हैं, हिंदू घरों में संध्या वंदन करते हैं तो शाम के समय में तुलसी के चौरा के सामने, तुलसी का जो बिरवा होता है उसके सामने हम क्या है, दिया जलाते हैं। और जो तो यह क्या है, शाम के समय में हम जलाते हैं, इसे पता चल जाता है कि यह शाम का क्या है, दूत है। इसे पता चलता है कि अब शाम हो गई है और अब रात होने वाली है, और यह जो दीपक है इसे प्रभाती तक जले दो। प्रभाती मतलब सुबह के समय में जो गाना गाया जाता है, जो भजन गाया जाता है, उसे प्रभाती कहा जाता है। कुछ गांवों में आज भी परंपरा है कि लोग टोली बनाकर सुबह के समय में घूम घूम कर प्रभाती गाते हैं। अब हम देखते हैं इसका काव्य सौष्ठव, इसकी सुंदरता क्या है इस कविता की। तो इसमें मुख्य बातें कौन सी है, साधक किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता, वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। यहाँ पर दीपक साधक का प्रतीक है कि वह अकेले में साधना करता है, वह अपने इष्ट देव को रात भर उजाले में रखने के लिए संकल्पित है, वह नहीं चाहता कि मंदिर में अंधेरा हो। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है। तो यह कविता 24 और 16 मात्राओं की पंक्तियों से इस कविता का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोग इस कविता को समझ गए होंगे। यदि मेरे आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और इसका जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।